सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने अपने बयान दर्ज करा चुकी हैं। लगभग 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे को लेकर दिया गया रिया चक्रवर्ती का बयान भी काफी वायरल हो रहा है। इस बयान पर रिया चक्रवर्ती को ट्रोल भी किया जा रहा है। पिछले 3 महीनों से खुद पर लग रहे आरोपों की सफाई देने के लिए अब रिया चक्रवर्ती मैदान में है। एक के बाद एक न्यूज चैनल्स को रिया चक्रवर्ती इंटरव्यू दे रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रिया से अंकिता लोखंडे को लेकर सवाल हुआ, जिस पर रिया बेफर पड़ी। रिया ने कहा, अगर अंकिता लोखंडे उनसे प्यार करती थी तो वो मेरे दर्द को क्यों नहीं समझ पा रही है। अंकिता सुशांत के घर में ही रह रही थी, फ्लैट की ईएमआई सुशांत भर रहा था। वो एक हिस्से की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरे हिस्से को वो क्यों नहीं दिखा रही हैं? फ्लैट नंबर 403 की बात वो क्यों नहीं करती, जहां पर उनका परिवार रह रहा था। उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ रुपए का सबूत दिया, बाकी के 3-4 करोड़ सुशांत के अकाउंट से ही जा रहे थे। रिया ने कहा, मुझे तो ये फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन लगता है। रिया ने कहा, अंकिता दावा करती हैं कि पिछले 4 साल में सुशांत से उनकी कोई बात नहीं हुई। वो ऐसे दिखा रही हैं कि वो सुशांत की विधवा हैं। मुझे तो इस बात पर हैरानी होती है कि वो सुशांत के दोस्त के साथ ही रिलेशनशिप में हैं। सुशांत के घर में ही रहना, उनके दोस्त को ही डेट करना बेहद अजीब है। रिया ने आगे कहा, अंकिता कहती हैं कि 4 साल से सुशांत से कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ वो ये भी दावा करती हैं कि 1 साल पहले सुशांत ने उनसे ये कहा था कि मैं उनको प्रताड़ित कर रही हूँ। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो खुद कितनी अच्छी हैं। आपको बता दें, न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने के बाद रिया चक्रवर्ती की आलोचना की जा रही है। सुशांत को लेकर रिया चक्रवर्ती के दावों को खोखला करने के लिए सोशल मीडिया पर सबूत पेश किए जा रहे हैं। सुशांत के तमाम चाहने वाले समेत अंकिता लोखंडे भी रिया चक्रवर्ती के हर दावे को झूठा करार दे रही हैं। बहरहाल पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सूत्रों की माने तो जल्द ही नारकोटिक्स विभाग भी रिया चक्रवर्ती को तलब कर सकता है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनके आधार पर सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स विभाग अपनी जाँच को आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।